हेलो फ्रेंड्स, जनरेटर बात कर रहा हूँ मेरे भाई। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जो मैच खेला जाने वाला है 34वां मुकाबला, उसके बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि ये मैच अगर जीतती है तभी यह रेस में बने रहेगी सेमीफाइनल के स्पॉट के लिए। क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ तीन ऐसी टीम है जो लाइन में है, और तीनों को मैच जीतना पड़ेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो अब नेक्स्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलना जाने वाला है। तो वो मैच में जो जीतेगा वो क्वालिफाई करने के लिए आगे बढ़ेगा, अगर साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से हार जाती है तो। मेरे भाई तो बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है मेरे भाई, और बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है कल का, दोनों का दोनों मुकाबला। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मेरे भाई पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैट्स, कौन सी टीम जीतेगी, सेशन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, हर चीज़ बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहे। कल 4 नवंबर को खेला जाएगा, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। कल के अभी दिवाली हो चुकी है मेरे भाई, तो कल मैच खेला जाएगा 3:30 बजे। कल डबल हेडर है और दुबई क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाने वाला है। पीछे मुझे बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो सबसे बड़ी बात अगर बता दूं तो दुबई का जो वेन्यू है बहुत अच्छा वेन्यू है। यहाँ पे आपको अगर बात करें तो ज़्यादा ग्रासेस नहीं है, लस ग्रीन सरफेस तो है लेकिन उतने ज़्यादा ग्रासेस नहीं है, तो बैट पे बॉल अच्छे से आता है और डुई फैक्टर है, कोई भी बोल वाला नहीं रहेगा क्योंकि दिन में मैच है। और ये आप एक तरह से बात करें तो अच्छा हाई स्कोरिंग सर्फेस मान सकते हैं। वेदरी में बात करें तो 32 घंटे में चांसेस ऑफ रेन निगेटिव और ह्यूमिडिटी 44% की रहेगी। मोबाइल नंबर सेव कर सकते हैं 7428525767, ये मेरा व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर रहेगा। मैच से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो बिंदास कॉल मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्लिक करके ऐड हो जाइए। डेमो में ही आता है मेरे भाई, और काम का लेवल चेक कर लीजिए सबसे पहले। बाकी बात करेंगे टीम न्यूज़ का, तो ऑस्ट्रेलिया का बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लास्ट मैच में एक टैक्टिकल चेंज किया गया था कि मिचेल मार्स को बैठा के एस्टन एगर खिलाया गया था। एस्टन एगर थोड़ा सा किफ़ायती भी रहे बहुत बैट एंड बॉल से, भी सबसे इकोनॉमिकल बॉलिंग किया 5.6 के इकोनॉमी से, एक विकेट निकाला, 20 रन का कंट्रीब्यूशन दिया। तो इनके साथ टीम जा सकती है, एस्टन एगर के साथ मिचेल मार्स को बैठा सकती है मेरे भाई। बांग्लादेश की तरफ से बात करेंगे तो साकिब अल हसन का एक ब्लू बैक है वर्ल्ड कप में, वो नहीं खेलने वाले आगे कोई भी मैचेस में, तो उनके जगह शमीम हुसैन खेले, ठीक ठाक प्रदर्शन किया, तो इनके साथ टीम जा सकती है। लेकिन एक चेंजेस हो सकता है कि नसूम अहमद को बैठाया जा सकता है, मुस्तफिजुर रहमान लास्ट मैच नहीं खेले थे तो वो वापस आ सकते हैं मेरे भाई। पंटा पॉइंट्स में बात करेंगे तो हेड टू हेड 9 मैचेस हुए इन दोनों के बीच में, जहाँ पे 5 बार ऑस्ट्रेलिया और 4 बार बांग्लादेश जीती, तो बहुत नेक टू नेक चल रही है दोनों टीम, और एक अच्छा मुकाबला होने की संभावना हो सकती है। वर्ल्ड कप में बात करेंगे तो 4 मुकाबले में चारों का चारा ऑस्ट्रेलिया जीती है, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे डोमिनेट कर रही है बांग्लादेश के ऊपर मेरे भाई। अब हेड टू हेड में बात करेंगे लास्ट 5 इनिंग्स का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश 4 जीती है और ऑस्ट्रेलिया 1 जीती है। बांग्लादेश के साथ ये रहा है कि वो अपने होम ग्राउंड पे बुलाकर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को स्लो पिचेस बना के वहाँ पे हराई है, लेकिन उसी का उनको हर जाना भरना पड़ रहा है। वर्ल्ड कप में बहुत बुरी तरह से हार रही है, तो वही था यहाँ पे कि 2021 में जब ऑस्ट्रेलिया ने दौरा किया था, बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं थे, एक सेकेंड टीम भेजी थी, वहाँ पे हारी थी ऑस्ट्रेलियन टीम, तो उसी का आप यहाँ पे स्टैट्स देख रहे हैं, 4-1 से हराया था बांग्लादेश ने। अब बात कर लेते हैं दुबई में जो टोटल मैचेस हुए, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम वर्ल्ड कप में 8 मैचेस खेले गए, जहाँ पे फर्स्ट बैट करते सिर्फ 1 बार टीम जीती है वो भी आज, और सेकंड बैट करते हुए 7 बार जीती। तो सेकंड बैट को मेरे भाई पलड़ा भारी चल रहा है, बड़ी टीम अगर सेकंड बैट पे आ रही तो जीत रही है, और छोटी टीम अगर फर्स्ट बैट पे है और सेकंड बैट पे चेंज कर रही है, बड़ी टीम तो चेंज कर जा रही है, तो बड़ी टीम अगर डिफेंड करा रही है तो डिफेंड करा ले रही है। लेकिन वही अगर दो इवन कंटेस्ट हो रहा है, मतलब बड़ी वर्सेस बड़ी यानी स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग या फिर मीडियम वर्सेस मीडियम है, तो सेकंड बैट वाली करने वाली टीम यहाँ पे जीत जा रही है। तो ईजी प्रिडिक्शन चल रहा है मेरे भाई, आपको एक बहुत बड़ा ग्रुप मंथ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। प्लेइंग का बात कर लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो डेविड वार्नर, एडन फिंच, मिचेल मार्स नहीं खेलेंगे तो इनको नहीं पिक करना है। स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल के साथ मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा, जॉस हैजलवुड, पैट कमिंस खेल सकते हैं और एस्टन एगर खेलेंगे, तो ये प्लेइंग 11 हो सकता है मेरे भाई ऑस्ट्रेलियन टीम का। बांग्लादेश की तरफ से बात करेंगे तो मोहम्मद नईम, लिटन दास, सौम्या सरकार, मुशफिकुर रहीम, अफीफ हुसैन, महमूदुल्ला, समीम हुसैन, महदी हसन, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान, तो ये प्लेइंग 11 हो सकता है बांग्लादेश का मेरे भाई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करेंगे की प्लेयर्स की तरफ से, तो आपको एरन फिंच लास्ट 2 इनिंग्स में अच्छा प्रदर्शन किया है, जहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ 125 रन ही मार पाई थी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी लास्ट तक बैटिंग करने की कोशिश की एरन फिंच ने, और उस मैच में अगर बात करें तो 37 रन मारा था,
तो अच्छा सॉरी 44 रन मारा था और उससे पहले 37 रन मारा था, तो लास्ट दो इनिंग्स का अच्छा परफॉर्मेंस इनका, कैप्टन वाइस कैप्टन आप इनको पिक कर सकते हैं, हेड टू हेड में बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे टीम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। एगर ने लास्ट मैच खेलते हुए 20 रन और एक विकेट भी निकाला था, सबसे किफायती बॉलिंग किया था और जैम्पा बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि लास्ट में जो थोड़े सस्पेंसिव चले गए थे, 37 रन दिया था 3 ओवर में, 5 विकेट है, लेकिन अभी भी इनका 2 मैचेस में, और बांग्लादेश जैसे टीम पे ये भारी पड़ सकते हैं। कीपर्स का बात करें बांग्लादेश के, तो लिटन दास लास्ट 2 इनिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 24 और 44 रन का कंट्रीब्यूशन है। मुशफिकुर रहीम का बात कर लेते हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस बैट्समैन और बड़े मैचेज में एक्सपीरियंस बैट्समैन पर ज़्यादा दाव लगाना ज़्यादा बेटर रहता है। 143 रन है 7 इनिंग में, मेरे भाई वही मेहदी हसन का 8 विकेट है 7 इनिंग में, लास्ट में 24 रन का कंट्रीब्यूशन भी दिया है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे मेहदी हसन, क्योंकि अप फ्रंट विकेट निकाल रहे हैं और किफायती बॉलिंग कर रहे हैं। तो विनी प्लेयर्स को लेते, जो मैंने आपके लिए टीम बनाई है मेरे भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे विकेट कीपर ऑप्शन में मैं लिटन दास के साथ जा रहा हूँ, बाकी यहाँ पे आपके पास मैथ्यू डेविड के भी एक अच्छे ऑप्शन है, लेकिन वो डाउन द ऑर्डर आते हैं, उनको पिक करना कोई फायदा नहीं रहेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और अपर डाउन के ऑर्डर ज़्यादा बैट्समैन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वार्नर के साथ फिंच को मैं पिक कर रहा हूँ, महमूदुल्लाह और स्टीवन स्मिथ के साथ जा रहा हूँ, बाकी यहाँ पे आप मुशफिकुर रहीम को पिक कर सकते हैं और कैप्टन भी बना सकते हैं, भाई वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन ग्रैंड लीग में चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ मेरे भाई हेड टू हेड के लिए। बाकी ग्लेन मैक्सवेल और मेहदी हसन के साथ मैं यहाँ पे एस्टन एगर को पिक कर रहा हूँ, अगर स्टोनिस के साथ आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, और बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। बॉलिंग टीम में बात करें तो मिचेल स्टार्क, मुस्तफिजुर रहमान और एडम जंपा को पिक कर रहा हूँ। अदर ऑप्शंस में यहाँ पे मेरे भाई जॉस हेडलवुड एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बात करेंगे तो ग्लेन मैक्सवेल का कैप्टन और वाइस कैप्टन मेरे भाई यहाँ पे आपको महमूदुल्लाह को बना रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग से ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, बॉलिंग भी कर सकते हैं मेरे भाई, विकेट भी निकाल सकते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। मैक्सवेल लास्ट मैच में चले नहीं है, तो हो सकता है बहुत बैट एंड बॉल से इस मैच में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे टच में थे आईपीएल में और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे वर्ल्ड कप में। बाकी अदर ऑप्शन में भाई हेड टू हेड में मेरे भाई वार्नर एक और स्पिथ अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं, फिंच कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। अदर ऑप्शन में मेहदी हसन नो डाउट बहुत अच्छा ऑप्शन है वाइस कैप्टन के लिए। तो ये रही टीम 19 दोस्तों, आप यहाँ पर प्रीव्यू ले सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत जाइएगा, रिपोर्ट चाहिए तो कॉन्टैक्ट करिएगा, व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, काम का लेवल चेक करिए मेरे भाई, डेमो वहीं आता है हफ्ते में 3 से 4, और नेक्स्ट लेवल काम चल रहा है, बस यही बोलूँगा। चलिए बाय बाय, अभी टेक केयर, गुड।